तो गाइस यार जब से मेरा यूट्यूब पर चैनल जब से आप एक चीज नोटिस किया होगा जो मेरा बाल का साइज दिन पर दिन बढ़ता जाता है घटता नहीं है, क्योंकि मैं कटवावे नहीं करता हूँ या बोलूँ तो मैं कटवा नहीं सकता हूँ। तो गाइस यार ये लाइट भी जो है जिसमें आपको मेरा बाल है जो लंबे लंबे देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाइस आज हम अपने घर से 400 किलोमीटर दूर जा रहे हैं बैद्यनाथ बाबा धाम नाम से एक मंदिर है वहाँ पे अपने बाल को कटवाने। तो सोचा कि मैं ये जो पूरा प्रोसेस है आपके साथ शेयर करूँ, माने कि बोले तो एक व्लॉगिंग बना लूँ बस। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो लो गाइज फाइनली मैंने अपना बाल कटा लिया और आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो बोल रहा था कि कहाँ कहाँ जाके व्लॉग बनाऊंगा। तो गाइज हुआ कुछ ऐसा कि मुड़न तो मेरा था, यानी कि मेरा बाल कट रहा था, तो मेरे को तो मौका ही नहीं मिला कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ। नहीं मेरे साथ कैमरा मैन था, नहीं कोई दोस्त था, नहीं कोई भाई था, मेरे साथ सिर्फ मेरा मम्मी था और मेरा एक आंटी था। तो मेरा आंटी ने थोड़ा बहुत देवघर का कुछ रिकॉर्ड किया है, वो फोटो मैं आगे आपको दिखा दूंगा। और रास्ता का बात रहा तो रास्ता में क्या हुआ कि हम तो शाम को निकले तो रात हो गया, तो रात में अच्छा कैमरा तो आता नहीं है और हम तो ट्रेन में सो गए थे। तो सुबह जब भी मैं स्टेशन जा रहा हूँ जहाँ से ट्रेन पकड़ के देवघर जाऊँगा, तो रात में सोने के बाद अभी जगा हूँ तो पता नहीं कहाँ पे हूँ, आगे स्टेशन आएगा तो पता चलेगा कि कहाँ पे हूँ अभी मैं। तो गाइस जब भी एक आपको बड़ा सा कमल के फूल जैसे कुछ दिख रहा है, एक्चुअल में एक मंदिर है। ये जो मंदिर है यहाँ पे गंगा जी के किनारे पे है और ये जो नदी दिख रहा है ये है गंगा जी का नदी, यहाँ पे लोग बोल रहा है। तो गाइस यहाँ पे जो आदमी का भीड़ दिख रहा है जो कांवड़ लेके नहीं आता है वो कंवरिया लोग यहाँ पे है। तो गाइस अभी मैं जस्ट गंगा जी का नदी पार किया हूँ और यहाँ थोड़ा रेत रेत जैसा कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो गाइस गंगा जी के नदी को पार किए कुछ देर हुआ है तो यहाँ पे गाइस पूरा पहाड़ी इलाका में आ चुका हूँ। यहाँ पे पूछने पर था चल रहा है कि अभी मैं झारखंड में हूँ और इधर ही कहीं पे सुइया पहाड़ है। तो यहाँ से गाइस एक पहाड़ दिख रहा है, इसका नाम है सुइया पहाड़, जो कभी एक जमाने में इसका पत्थर यानी जो पहाड़ पे पत्थर था वो सुई की तरह होता था और ये जो पहाड़ है इसको पार करने के बाद देवघर जाने को मिलता था पहले कावर लेके। तो गाइस अभी आप सिनेमेटिक एंजॉय करिए, मैं आपसे मिलता हूँ एक बार देवघर में। अब फाइनली गाइस अभी मैं जसीडीह स्टेशन पे आ चुका हूँ और यहाँ से देवघर के लिए ऑटो मिलता है, तो यहाँ से हम ऑटो पकड़ के देवघर जाएंगे। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका बाबा के धाम पे, तो आज हम लेट आया हूँ और हम खाना भी खा लिए तो आज हमारा मुड़न नहीं होगा, तो कल सुबह आएंगे तो कल हमारा सुबह मुड़न होगा यानी कि हमारा बाल कटेगा। नहलाएगा तो यहाँ पे मेरे को भी नहला रहा है और काफ़ी ठंड लग रहा है अभी तो अभी नहला देने के बाद अब सब हो चुका है, बस अब एक पगड़ी जोड़ाने के बाकी रह गया है। जो ऊपर से रिबिन गिर रहा है इस रिबिन को लेके दूसरे मंदिर तक यानी कि शिव भगवान का मंदिर है तो अब पार्वती जी का मंदिर तक जाना है एक पगड़ी को लेकर, तो ऊपर से नीचा पांडा गिराएगा तो मैं लेके जाऊँगा। तो अब भी मैं इसको लेकर दूसरे मंदिर तक जा रहा हूँ, तो वहाँ तक जाऊँगा तो उसके बाद वहाँ से भी एक आदमी है जो लेके ऊपर जाएगा और बांध देगा। वहाँ पे जो दिख रहा है मंदिर वह पार्वती जी का मंदिर है। अभी सीजन नहीं है फिर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइज, पता नहीं सावन में यहाँ पे कितना भीड़ रहता होगा, तो अभी तो फागुन का महीना है तो इतना भीड़ है यहाँ पे।
जाकर खींचो। चलिए बढ़िया बढ़िया खोला ना, चलिए बढ़िया खोला। चलिए फिर पछाड़ी पड़े दी तीन रखे शिव भगवान का मंदिर, और यह पार्वती जी का मंदिर, और यहाँ से मेन गेट है। तो इतना ही रिकॉर्ड हो पाया वीडियो यहाँ का गाइज। तो फाइनली गाइज भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब काम शुभ ही शुभ हुआ, बस वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाया, बाकी सब बहुत ही अच्छा हुआ। तो बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।